नमस्कार दर्शन टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम डिस्ट्रिक्ट जेल अम्फला के बिल्कुल बाहर है, जहाँ पर सुधार बिक्री केंद्र में, जहाँ पर हम बताना चाहेंगे यहाँ पर कैंडल, जिस तरह से दीपावली का त्यौहार आने वाला है, ये रोशनी कैंडल आपकी ज़िंदगी में भी भर देगी रोशनी। और यहाँ हर किस्म का सामान बनाया जाता है जो कैदियों द्वारा, जिनसे कभी ना कभी कोई गलती हुई होगी और जो जेलों में बंद है, उन्हें एक नई दिशा देने का जेल एडमिनिस्ट्रेशन प्रयास करती है, ताकि जब भी वो जेलों से छूट कर बाहर निकलें, वो आत्मनिर्भर बने, वो एक इज्जत की ज़िंदगी जी सकें जब उनके हाथ में हुनर होगा। हम कुछ देर बाद एक वीडियो भी अपलोड करेंगे डिस्ट्रिक्ट जेल अम्फला के अंदर का, जो पूरे दृश्य बताएं किस तरह से यहाँ पर कैंडल्स बनाई जाती हैं। और इस समय के दृश्य बताना चाहेंगे आपको अंदर से, यहाँ पर हैंडमेड सामान आपको मिलेगा जो कैदियों द्वारा बड़ी मेहनत और लगन के साथ बनाया जाता है, जिसमें रोशनी कैंडल्स होंगी, फ्लोटिंग कैंडल्स होंगी, बेडशीट्स होगी, शर्ट्स होंगी और प्योर कॉटन की शर्ट्स होंगी, उसके बाद डोरमैट्स होंगे बेडशीट्स के अलावा, जो कि टॉवल्स होंगे आपके पास। और वहीं पर अगर बात करें तो जो बेड दरी हैं वो भी आपको उपलब्ध होंगी यहाँ पर, और बड़े ही नॉमिनल चार्जेस में। और लकड़ी का छोटा छोटा सामान भी आपको मिलेगा यहाँ पर, छोटे छोटे जो टेबल्स हैं या मंदिर बनाए गए हैं वो आपको ज़रूर यहाँ पर उपलब्ध होंगे, और बड़े ही यानी कि नॉमिनल चार्जेस में। और बताना चाहेंगे आपको कि यहाँ पर जो अंदर है, जो कैदी हैं, किसी ना किसी कारणवश यहाँ पर आते हैं, उनके माइंड को यानी कि एक नई दिशा, उनके दिमाग को, ताकि वो डाइवर्ट किया जाता है काम में, ताकि वो किसी कारणवश अगर यहाँ पर तक पहुँचे भी हैं, इन फ्यूचर वो ऐसी गलती ना करें जिसके चलते उन्हें जेल के अंदर आना पड़े। वहीं पर इन सारी कैदियों को काम पर लगाया जाता है, उनके हाथ में हुनर तो आता है, उन्हें सिखाया भी जाता है, बल्कि उनके यहाँ पर उन्हें वेजेस भी मिलते हैं, जो काम करेगा उसके माध्यम से उनकी कमाई भी हो जाती है, उनके परिवार भी कहीं ना खुश होते हैं। और ये समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं सुधार बिक्री केंद्र, यानी कि सुधार आ जा रहा है उन्हें बिक्री केंद्र जो है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी आपको शर्ट्स, बेडशीट हाथ से निकालू या बेडशीट आपको दिखेंगी यहाँ पर, ये छोटी छोटी गुल्लक जिसे हम बोलते हैं वो मिलेंगी। और यहाँ पर लोग आते हैं और ख़रीदते हैं, यहाँ पर आकर बिल्कुल प्योर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। और देखिए यहाँ पर एक युवक भी लेने के लिए आए हैं, यहाँ पर ये भी कैंडल लेने आए हैं। चलिए इनसे जानते क्या नाम है, क्या नाम है बेटा आपका? जी मेरा नाम शानू है, शास्त्री नगर। शानू यहीं से आप जम्मू? हाँ जी शास्त्री। शानू आप भी यहाँ पर ख़रीदारी करने हैं, यहीं पर क्यों, क्या वजह है आने? एक्चुअली अपना एक LJ के कोऑपरेटिव स्टोर चलता है अम्फला में, लद्दाख जम्मू कश्मीर के, जहाँ पे एक्सक्लूसिवली हम फार्मर्स द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स रखते हैं। तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि हम इन प्रिजनर्स के, जो जम्मू कश्मीर के थोड़े बंदी हैं, हम इनकी भी इन कैंडल्स वहाँ पे रखें, जिनसे इनको भी थोड़ी मोटिवेशन मिले कि जी हम कुछ अगर कर रहे हैं तो वो नेशनली और ऑनलाइन ऑफलाइन सेल हो रहा है, तो जिससे ये थोड़ा मोटिवेट हों और अच्छा काम करें बाहर आके। किसी ना किसी कारण या किसी गलती की वजह से जो अंदर आते हैं, और उनका हुनर जो है ये जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारा इन्हें सिखाया जाता है, और जिसके माध्यम तक हमारे तक, आप तक ये पहुंचता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा अच्छी कैंडल्स हैं, और एज अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस कैंडल भी, ये जो कैंडल्स का प्राइस है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, और क्वालिटी भी एकदम बढ़िया और जेन्युइन क्वालिटी है। जी तो क्या कहना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को कि यहाँ पर क्यों जल्द से जल्द आए, आना चाहिए दिन त्योहारों में भी, क्योंकि ये लोगों की मेहनत है जो कहीं ना कहीं, जिनकी माइंड जो सेटअप चेंज हो गया है, एक नई दिशा देने का जेल एडमिनिस्ट्रेशन प्रयास कर रही है, ताकि वो बाहर जब निकले उन्हें प्रोत्साहन मिले, इन सामान जब बिक्री होता है, जब उन्हें इसकी वेजेस मिलते हैं, तो कितनी खुशी महसूस होती है। हम लोग बड़ी बड़ी देखते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों में जहाँ पर बड़े बड़े ताम झाम हो, हम डेकोरेशन को देखा जाते हैं, तो यहाँ पर कितना जरूरी आना, यहाँ पे आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है कि जो कैदी, जो अंदर बंदी हैं, उनको फर्स्टली तो अभी वो किसी कारणवश वो अभी बेचारे थोड़े मतलब बोलेंगे हाँ, तो कुछ पुरानी गलतियों की वजह से वो अभी नहीं हो पा रहे मोटिवेट, तो जब वो बाहर आए तो बाहर आके देखे कि जो हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो कितने वाइडली स्प्रेड हो रहे हैं यहाँ पे मार्केट में ना, तो उनको मोटिवेशन मिलेगी। और सेकेंडली उनको एक अंदर बना, एक हाथ हस्तकला वो सीख रहे हैं अंदर,
अंदर कि कैसे बनाना, वो बाहर आके खुद भी अपना काम कर सकते हैं। तो ये आत्मनिर्भर, हाँ जी बिल्कुल, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और स्पेशली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, हम चाइनीज के ऊपर वहाँ परचेज करें मार्केट से जाके, जबकि हमारे पास जम्मू के बनाए गए प्रोडक्ट है। बिल्कुल, और हमको मोटिवेशन भी, और उनको मोटिवेशन भी मिल रही है, मेहनत लगी है एग्जैक्टली हमारे यहाँ पे जो भी अंदर है किसी ना किसी कारणवश आए हैं। जी बिल्कुल, एलजे के स्टोर तो इसको टोटली बहुत अच्छे से प्रमोट करेगा, नेशनली सपोर्ट करेगा, नेशनली इनके प्रोडक्ट सेल करेंगे। धन्यवाद शानू, ऑल द बेस्ट। फिलहाल हमने आपको बताया सुधार जो बिक्री केंद्र है, जेल के अंदर कई लोग गलत भी अफवाहें बाहर होती हैं, ये होता है वो होता है। कुछ देर के बाद हम वीडियो एक अपलोड करेंगे। जेल वो जगह है कि अगर कोई गलत मानसिकता के साथ वहाँ तक पहुँचता है, उनकी मानसिकता को चेंज करना, सही राह पर लगाना, ये कार्य अंदर होते हैं। यानी अगर कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात करें, सिलाई बुनाई की बात करें, कढ़ाई की बात करें, मोमबत्ती बनाने से लेकर वहाँ पर रोज़गार के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं, ताकि उनका जो माइंड है, दिमाग है, वो अच्छे रास्ते की तरफ से डाइवर्ट किया जाए, गलत रास्तों, जो उनसे गलतियाँ हो चुकी हैं उन गलतियों को भूलकर उनका मनोबल बढ़े कि वाकई मेहनत करने में भी इज्जत भी है और कमाई भी है, जिसे वो अपने माँ बाप का, अपने घर वालों का सर गर्व से ऊँचा कर सकते हैं। इसीलिए हमने आपको लाइव ये विजुअल बताए कि समय सुधार बिक्री केंद्र बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट जेल अम्फला के बिल्कुल बाहर है। ये वो प्रोडक्ट है जो बड़ी प्रेम लगन के साथ बनाए जाते हैं और आप तक पहुंचाए जाते हैं, और उन लोगों के चेहरों पर भी अंदर से खुशी होती है कि कहीं ना कहीं हमारे घर वालों तक भी ये प्रोडक्ट पहुंचेंगे मीडिया के माध्यम से, और उन्हें खुशी होगी कि एक नई राह, एक नई दिशा की ओर चल पड़े, ताकि जब जेल से वो बाहर निकले तो उन्हें एक नई दुनिया की तरफ वो कदम रखे। उन्हें ये लगा कि हम बिल्कुल आत्मनिर्भर हैं, हम अपने हाथ की कमाई कर सकते हैं, अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकते हैं, समाज में सर उठाकर जी सकते हैं। फिलहाल जितनी भी जनता हमें देख रही है, जरूर सुधार बिक्री केंद्र में आइएगा और इन कैदियों द्वारा बनाए गए खूबसूरत सामान को, हैंडमेड सामान को, बिल्कुल प्योर सामान है ये, और आकर एक बार खरीदिए सही, आपको नॉमिनल चार्जेस में बिल्कुल प्योर सामान, जो प्रोडक्ट है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, वो आपको ज़रूर मिलेगा। बड़े सुंदर सुंदर बैग देखिएगा यहाँ पर, वाओ, ये शादी ब्याह में यूज़ होते हैं, जब मोस्टली जो माताएं बहनें होती हैं ना, जो यहाँ पर साड़ी में लगाती हैं, हाथ में लगाती हैं, और शगुन यहाँ पर इसमें आता है। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर बैग है, वाकई। चलिए इस समय यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेल जेल जो है अम्बला के सुपरिटेंडेंट हरीश कोतवाल जी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। कहीं ना कहीं ये श्रेय इन्हें भी जाता है, क्योंकि इनके नेतृत्व में ये सारा काम रक्षण करते हैं, ये सारा काम होता है। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई है, जो हम सामान देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर हस्तकला देख रहे हैं लोगों ने, जो अंदर कैदियों को आपने सिखाया है, वही आज ये परिणाम देखने को मिल रहा है, कि हमें भी लग रहा है कि वाकई जो अंदर गलती करके गए हैं, वो आकर गलती नहीं दोबारा करेंगे। देखिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का ये मानना है जी, अक्सर वो सबको बताते रहते हैं कि जो है आत्मनिर्भर जो है बनो जी, साथ में जो है अपना जो अपना स्वदेशी जो है बिल्कुल वो प्रोडक्ट यूज़ करो, ना कि चाइना की तरफ जालो, बिल्कुल जो बाहर से आते हैं, दूसरे मुल्क से आते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं आप उन वो हमसे ज़्यादा अच्छे हों। जब ये खुद हम प्रोडक्ट यहाँ तैयार कर रहे हैं, देसी है, हर चीज़ देसी, तो इसकी तरफ जो है हमारे जो शहरी वासी है, रिस्पेक्टेड जो हमारे जम्मू वासी है, वो इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे दें, चाहे वो कैंडल्स है, चाहे ये जितनी भी हैंडमेड है, तो ये अपने देशी है, तो बाहर से जो स्वदेशी जो है वो उसका जो है बहिष्कार करना चाहिए, जो कि ये शुरू से बोला जाता है कि भाई जो स्वदेशी जो है आप उसको छोड़िए, अपना देसी जो है अपना अपनाइए, तो वही हम भी ये चाहेंगे कि भाई जो अपना देसी जो है प्रोडक्ट है उसको, स्वदेशी लोगों का मनोबल भी बढ़ता है। बड़ी सुंदर सुंदर सर हमने चीज़ें देखी, बेडशीट्स देखी हैं, शर्ट्स देखी हैं, डोरमैट्स देखे हैं, जो दरी बेड दरी वो देखी है, और देखिए बड़ी सुंदर सुंदर शर्ट्स हैं, और ये भी हाथ से बनाई हुई शर्ट, और वो भी प्योर कॉटन की शर्ट्स है, कैंडल्स हैं, दीपक है, यानी इतना कुछ, यानी आपने कैदियों को पूरी तरह से सक्षम बनाने का प्रयास किया है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं ये सब कैदियों ने ही बनाया है, चाहे आप देखिए कारपेंट्री का है, फर्नीचर आइटम्स है, टेंपल्स हैं, या शर्ट्स हैं, या बैग्स आपने देखे, लेडीज बैग हैं, इवन भगवान कृष्ण जी के भी ड्रेसेस जो है जन्माष्टमी के मौके पे जो है तैयार करते हैं, वो हमारी फीमेल जो है प्रिजनर वो करती हैं। क्या बात, तो ये सब जो है एक कलेक्टिव एफर्ट्स रहता है, जेल अथॉरिटीज़ को रहता है, कैदी भी उसमें सहयोग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का भी बड़ा हाथ होता है, और साथ में जो सोसाइटी, आप जैसे जो अच्छे शहरी हैं,
उनका भी सहयोग रहता है कि भाई अपने देसी जो आइटम्स को जो है फ़रोग दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए, ना कि स्वदेशी। जब हमारी अपनी चीज़ अच्छी है तो हम बाहर की तरफ क्यों उठ जाएं। बिल्कुल सर कोतवाल सर, कितना चैलेंजिंग रहता है एज ए सुप्रिटेंडेंट होने के नाते, एक नहीं बल्कि जितने भी यहाँ कैदी हैं उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, उनके खान पान का ध्यान रखना, उनकी सेहत का ध्यान रखना, उनके हुनर को पहचानना, उनके सोर्स ऑफ इनकम बनाना। देखिए जेल सुपरिटेंडेंट का तो खैर रोल रहता है, वो एज ए सुपरवाइजर ऑफिसर होता है, लेकिन इसमें जो है कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं, जैसे हमारा मैं टीम वर्क, मैं अपने स्टाफ को भी ये श्रेय देना चाहता हूँ कि भाई वो उनके बगैर तो कुछ भी नहीं है, और जो अंदर जो बंदी है उनका भी एटीट्यूड तो ठीक है, लेकिन वो क्या हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी कन्विंस करना, ये एक अच्छा सख्त टास्क रहता है, लेकिन बहरहाल वक्त के साथ जो है आस्ता 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 जो है उसको मोल्ड कर ही लेते हैं, उसकी सोच में बदलाव लाते ही है। बिल्कुल, दीपावली का त्यौहार है, अब कुछ ही दिन में दीपावली है, तो लोग खरीदारी कर रहे हैं, अच्छी अच्छी कैंडल्स मोमबत्तियां, अब जनता से क्या कहना चाहेंगे अपने माध्यम से? हम ये चाहते हैं कि जो हमारी रिस्पेक्टेबल जनता है वो इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे, अपनी देसी आइटम है इसको खरीदे, इससे मनोबल बढ़ेगा सबका, बंदियों का भी बढ़ेगा, जो जेल स्टाफ इसमें लगा हुआ है उसका भी बढ़ेगा, और सोसाइटी को भी एक अच्छा मैसेज जाएगा, और सोसाइटी में भी जो है एक पॉजिटिव सोच जो है बनेगी। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल, हम सब देशी चीज़ों की तरफ दौड़ते जा, यानी विदेशी चीज़ों की तरफ दौड़ते हैं, क्यों ना देश के प्रधानमंत्री कहते हैं अपनी स्वदेशी चीज़ों को हम सपोर्ट करें, स्वदेशी जो चीज़ें बनती हैं वाकई हमारे अपने देश की हैं, तो हम देश गर्व है, हम हिंदुस्तान के हैं, तो क्यों ना हमें इन देश में लोग जो लोगों द्वारा बनाई गई चीज़ें उन्हें सपोर्ट करें। फिलहाल हमने पूरे दृश्य आपको बताया कि एक सुधार बिक्री केंद्र बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट अम्बला के बिल्कुल साथ हैं, और यहाँ पर लोग आ रहे हैं, ये दीपक खरीद रहे हैं, मोमबत्तियाँ खरीद रहे हैं, अन्य और भी सामान है, तो हमें अपने ही लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, खास करके वो लोग जो किसी ना किसी कारणवश किसी गलती की वजह से जेल के अंदर हैं, अपने परिवारों से दूर हैं, जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरह से सक्षम बनाने का प्रयास कर रही है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करिए, ताकि क्योंकि सुधार जो प्रकृति का नियम बदलाव है, वो बदलाव होता ज़रूर है, चाहे किसी भी कारणवश हो, कोई ना कोई गलती जब करा जो अंदर होंगे वो आज पछता रहे होंगे, काश हमने उस समय, सबसे बड़ा गलती का कारण, अपराध का कारण ये रहता है कि गुस्सा, जिस दिन हम अपने गुस्से पर काबू पा लेंगे तो हम अपराध से कोसों दूर हो जाएंगे। तो फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे जितने भी लोग अंदर हैं उन्हें हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, उनके परिवार को भी हार्दिक शुभकामनाएं, हम उम्मीद करते हैं जो भी लोग अंदर हैं जब वो बाहर निकलें ज़िंदगी की नई दिशा की ओर चलें, नेक दिशा की ओर चलें, नेक कमाई करें, अपने परिवार का गुजर बसर करें, आत्मनिर्भर बने, सर उठाकर समाज में जी सकें। फिलहाल आपका क्या कहना ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।